एक भिखारी भिक्षा मांगता हुआ जा रहा था। कहते हैं भिक्षा मांगते एक दरवाजे पर पहुंचा, एक माता से जाकर के इसने भिक्षा मांगी। इस माता ने बेचारी के घर में जैसा भी था, समय पर जो उपलब्ध था वो इस भिखारी को लाकर के दे दिया। इस गरीब ने बड़े मान सम्मान से इसके लिए दुआएं दी और उस सबको लेकर के आगे के लिए चल दिया। ये प्रातःकालीन का समय था, अगले दरवाजे पर पहुंचा। अगले दरवाजे पर जाकर के इस भिखारी ने आवाज लगाई कि माता भिक्षा दो। पहले तो ये बहन जो उठी घर में से, इसने इसको डांट लगाई कि मैं तुझे माता दिखाई देती हूं। खैर बेचारा चुप हो गया। इसने कहा बहन मेरे लिए सब माँ बहन बराबर हैं। इसने कहा मुझे भिक्षा दो। कहते हैं इस बहन से ने ऊपर से ही पहली मंजिल से इसको भिक्षा तो नहीं दी, इसने कहा ला कटोरा आगे कर। इस भिखारी ने बेचारे ने इस आशा में कि बहन कुछ देगी कटोरा को आगे कर दिया। इस बहन ने ऊपर से इसके कटोरा में थूक दिया। जैसे ही इसके कटोरे में थूका, ये भिखारी बेचारा बहुत परेशान हुआ और अपने मन में दुखी होकर के सोचता है और एक आवाज लगाकर कहता है बहन मैंने आपसे केवल भिक्षा मांगी थी, अगर मुझे भिक्षा नहीं देनी थी तो कम से कम मेरे कटोरा में तो ना थूकते। इतना कहकर के आगे को चला। लेकिन इसकी इस आवाज को सुनकर इसकी बहन को और क्रोध आया और अंदर गई, जाकर के अपने पति को जगाया और जगा करके कहती है देखो एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, भिक्षा मांग रहा, मैंने मना कर दिया है तो उल्टा सीधा मुझे बोलने लगा है। ये इसका पति चारपाई से उठा और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ को आया क्रोध में कि इस भिखारी को जाकर के मैं अभी बताता हूं। कहते हैं पहली सीढ़ी पे जैसे ही पैर रखा था, रात्रि का पता नहीं बच्चों ने केला का छिलका डाल दिया था। उस केले के छिलके पर जैसे ही इस नौजवान का पैर पड़ा और पैर फिसला, ये ऊपर से नीचे गिर गया। ये बहन रोने लगी और कहती है देखो रे मेरे पति गिर गए, देखो क्या हुआ। सब लोग आकर के इकट्ठे हो गए। ये जो भिखारी था ये हाथ जोड़ करके कहता है बहन देख तूने तो अपने पति से फरियाद कर ली कि भिखारी ने ये कहा है वो कहा है, लेकिन मेरे मालिक को देख, तैने तो मेरे कटोरे में क्या थूका, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी पुकार को सुना और तेरे सामने पे ही तेरा कार्य आ गया। इसलिए कहा है कि हमारे दरवाजे पर कोई बेचारा दीन दुखी आ जाए, कोई गरीब आ जाए, भिखारी आ जाए, तो अगर हम उसके लिए कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसके लिए हम कटु शब्द ना बोलें, उसके कटोरे में उल्टा सीधा कुछ ना डालें। कवि ने इसलिए तो कहा कि हम अपने कमाई में से कुछ ना कुछ भाग निकाल करके ऐसे व्यक्तियों को दिया करें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाकी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाकी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुओं को उठाया नहीं, बाती आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाती अमृत पिलाने से क्या फायदा। करते हुए ये खयाल
क्या करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही कर लूं तो क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, मैं काशी हरिद्वार मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। किया दान करते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने दान दिया मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। ही है इनके चरणों में ही चारों ये धाम है, माँ बाप की सेवा में ही सुख तो है, इनके चरणों में ही चारों ये धाम है। माँ बाप की सेवा मन से करो, फिर तीर्थ कराने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिला नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुओं को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।